आज हम जिस जगह पर हैं ये है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज इनिशिएटिव चलाया जाता है इस बिल्डिंग के माध्यम से। मेरा नाम राशिद अंसारी है, मैं अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं वर्ष 2017 से जागरण पहल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र जाखड़ है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पटियाला में एक हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से कंपनी चला रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जसवीर कौर है एंड आई बिलोंग टू पटियाला ओनली। राइट नाउ आई एम पोस्टेड एज मेडिकल हेल्थ ऑफिसर इन कॉरपोरेशन पटियाला। मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं पटियाले के रहने वाला हूँ। मेरा नाम हीरा मुनि देवी है, आरा जिला कराने वाला बिहार का। विक्की नाम है, मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मैं रिंकू वैद, पटियाला से हूँ मैं। मेरा नाम विकास कुमार। सबसे पहले आपको सभी को नमस्कार मेरी ओर से, मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। COVID-19 के बाद जो एक मुहिम चली थी, सैनिटाइज करो, बार बार हाथ धो, साफ स्वच्छता बनाए रखो, सब हम अपने अपने घरों में बंद थे। लेकिन उस समय डॉक्टर, नर्स, पुलिस, इन तीन लोगों के बाद अगर कोई समाज में लोगों की सेवा करने के लिए खड़े थे तो वो थे सैनिटेशन वर्कर्स, जिन्हें कोविड वॉरियर्स भी बोला गया। इस मुहिम के बाद या उनको कोविड वॉरियर्स बोलने के बाद समाज में एक चर्चा, एक चिंतन शुरू हो गया है कि ये इतनी इम्पोर्टेंस पार्ट है, इतना इम्पोर्टेंस टास्क है और इसको काम करने वाले लोगों के बारे में हम इतना नहीं सोच रहे हैं, उन्हें एक हाशिए में ढकेल दिया गया है। तो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज इसी बात से इंस्पायर हो रहा है कि वो कोविड वॉरियर बन के समाज में कोविड के समय में इतना बेहतर काम कर सकते थे, तो क्या हम डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको इस प्रोग्राम में जोड़ के और उनके काम को बेहतर हम बना सकते हैं क्या? हमारा जो काम है वो घर 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 जाकर लोगों का कूड़ा उठा के कलेक्ट करने का काम है हमारा, जो ये लोग काम करते हैं। मैं इनके ऊपर सुपरवाइज़र हूँ। आज लॉकडाउन समय ऐसा आया कि उसने हर इंसान को निचोड़ कर रख दिया। मेरे सामने ऐसे काम आ गए जो मैंने कभी ज़िंदगी में किए नहीं थे, जो कि सफाई को लेकर थे। अब सफाई को लेकर काम तो किया, मेहनत भी की, पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा तूने साफ़ सुथरा रहना, कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखना कैसे, या अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ कोई चोट पीट लग जाए कि तुम्हें कोई दवाई दिलवा दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। ना किसी ने कोई आज तक कोई ड्रेस दी, ना जूते दिए। मैं इस काम से निकलकर मेरी मुलाकात राशिद अंसारी से हुई, जिससे मैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से जुड़ा, ट्रेनिंग ली मैंने। तो आज मैं अपने साथ साथ इस ट्रेनिंग को लेकर अपने साथ वालों को भी प्रेरित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी में इतनी सुविधाएं हैं कि मशीन, कपड़े, जूते, मेडिकल सब कुछ, ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। विकास जब यहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे तब वो कोविड के बाद बिल्कुल बेकार हो चुके थे, उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था, वो सैनिटेशन के काम से जुड़े हुए थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे फैमिली में भी सब जॉब करते हैं, मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कोविड का जो दौर आया उस समय मैं नौकरी से बिल्कुल बेकार हो गया और मुझे उस समय गटर में उतर के भी काम करना पड़ा, इससे मुझे पैसे मिल सके, मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तो बोले सर मुझे आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला है, अगर कोई मेरे लिए बेहतर विकल्प है यहाँ पे जॉब का तो प्लीज़ आप मुझे इसके लिए बताइएगा, कॉन्टेक्ट करिएगा। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। हमने उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया, तैयार किया और हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट जो इस प्रोग्राम में पार्टनर है उन्होंने उनको जॉब ऑफर कर दिया, क्योंकि हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट इस सिटी का पूरा कूड़ा प्रबंधन का काम देखता है। उन्होंने उनसे कहा कि हमारे पास एक वार्ड में वार्ड सुपरवाइज़र की नीड है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, आप पढ़े लिखे भी हैं, लिखने का काम भी कर सकते हैं। तो हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट ने उनको वहाँ पर एज ए सुपरवाइज़र जॉब दिया। आज वो व्यक्ति एक वार्ड का सुपरवाइज़र है, सारी सफाई का काम देखता है। आज उसको म्यूनिसिपल काउंसिलर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग सब उसको जानते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सम्मान की बात है। तो मुझे ये बात एक अच्छी लगी कि हम हाउसकीपिंग के अलावा भी और भी ऐसे सेक्टर सैनिटेशन में खुल रहे हैं उनके लिए, जहाँ पे अपने आप को ले जाके एक बेहतर विकल्प पा सकते हैं जॉब का। तो मुझे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि रैकेट और जागरण पहल मिलकर महाराष्ट्र औरंगाबाद में कोई इन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के नाम से एक इनिशिएटिव प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें ये सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं। तो
तो मैंने इनसे संपर्क किया और एक शाखा वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज पटियाला के नाम से हमारे शहर पटियाला में खुलवाई, जहां हम इन सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारा लक्ष्य इस साल 1000 सफाई कर्मचारियों को यहाँ ट्रेन करने का है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिनको भी हमने यहाँ ट्रेनिंग दी उनकी कार्य करने की क्षमता, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, और उन्होंने हमसे वादा किया कि सर हम इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को जोड़ेंगे। और हमने भी जागरण पहल से वादा किया कि हम आपके इस वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज शाखाओं को पूरे पंजाब में फैला देंगे। कोविड आया तो सब लोग घरों में छिप गए थे, कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। जब लोगों ने देखा कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन घरों में कूड़ा पड़ा रहा, तो उनको एहसास हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। पर उस वक्त भी ये सफाई कर्मचारी एक योद्धा बन के हर घर से जाके कूड़ा उठा रहे थे, तो उस टाइम लोगों को ये लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उससे पहले उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको किस तरीके से हम ट्रीट करें। उस कोविड के बाद में इनकी इज्जत बढ़ गई है लोगों की आँखों में, और मैं तो यही चाहूँगा कि इनको जैसे सबको इज्जत दी जाती है, इसी तरीके से इनको इज्जत दी जाए। अगर ये नहीं होंगे यहाँ पे तो पता नहीं हमारे देश का क्या होगा। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये पटियाला का कैंट एरिया है, ये बेसिकली एक आर्मी एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 455 के करीब करीब सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं, जो किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। हमने आज इन सैनिटेशन वर्कर्स की फर्स्ट बैच को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लोग आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। महिला सफाई कामदार भी हैं, पुरुष सफाई कामदार भी हैं। इन लोगों को आज हमने ट्रेनिंग में सिखाया कि COVID-19 के समय में आप काम करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका किस प्रकार से होना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान किस तरीके से रखें काम करते वक्त, और सेफ्टी एट वर्क प्लेस। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, इन सारी बातों को आज हमने इनको सिखाया है ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग आज हमने जो यहाँ पे की है ऑफलाइन ट्रेनिंग की है। ऑफलाइन ट्रेनिंग में हम डेमोस्ट्रेशन देते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, सेफ्टी एट वर्क प्लेस किस प्रकार से होना चाहिए, सुरक्षा के साधनों का, पीपीई किट का किस किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, उसका आज हमने डेमोस्ट्रेशन भी दिया है। इसके अलावा आज हमने पानी की शपथ भी ली है यहाँ पे। हम भारत के वासी, एक स्वच्छ और स्वस्थ विश्व बनाने का प्रण लेते हैं। जय हिंद। आज हमारा जो फर्स्ट बैच था वो सफलतापूर्वक खत्म हुआ है। आने वाले दिनों में हम बाकी लोगों के साथ भी यहाँ पे बैच करने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के द्वारा जो तैयार की गई ट्रेनिंग है ऑफलाइन और ऑनलाइन, वो सारा करिकुलम इन्हें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मैं कैंट में काम करता हूँ। ट्रेनिंग में सीखा है सारे कचरा कैसे उठाना है, हाथ कैसे साफ करना है, गिल्ला कचरा कैसे उठाना है, सूखा कैसे उठाना है। सानू ये ट्रेनिंग बहुत बढ़िया लगी सर। पहले हमको किसी को कुछ नहीं पता था, कभी ट्रेनिंग नहीं हुआ सर, ऐसे ही काम चल रहा था। अब जब ट्रेनिंग हुई बहुत ज़्यादा लोगों को सुधार हो गया सर, बहुत बढ़िया लगा हमको। हमको जानकारी मिली है कैसे काम करना है, पहले किसी को कुछ नहीं पता था। हम आर्मी में काम करते, काम ऐसे है जैसे झाड़ू लाना है सर, झाड़ू भी लगाते हैं हम, कचरा उठाना है कचरा भी उठाते हैं सर, कोई गुड़ाई का काम है फूल बूटे हैं वो भी गुड़ देते हैं सर। जब किसी भी तरह का काम हो वो तो हमको करना पड़ता है सर, और करते भी हैं सर। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जहां हमने इसकी नींव रखी थी वर्ष 2018 में औरंगाबाद में, वहां पे 3 सालों में 7000 से ज़्यादा सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेनिंग करने के बाद जब हमने पटियाला में ये काम शुरू किया, तो हमें ऐसे बहुत से सैनिटेशन वर्कर्स मिले कि मैनुअल स्पेंजिंग, सीवर क्लीनिंग, अब वो उतर के नहीं कर पा रहे हैं गटर में, क्योंकि अब वो उस पर बैन लग गया है, कानून बन गया है, कड़क कानून बन गया है। तो उनके लिए भी अब एक रोज़गारी, बेहतर रोज़गारी के विकल्प वो भी ढूंढ रहे थे। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज पटियाला में खुलने के बाद ऐसे लोगों के संपर्क में हम लोग जब आए, जब हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि साहब अब तो हम इस तरीके से उतर के काम नहीं कर पाते क्योंकि बैन लग गया है, बट अब हम क्या करें रोज़गारी के लिए, कुछ भी काम हमें करना पड़ता है, जो हमें नहीं आता वो काम करके भी घर का गुजारा करना पड़ता है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी फैमिली है। लेकिन वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने उन्हें ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग से उन्हें सिखाया कि कैसे हम सुरक्षा के साधनों के साथ काम कर सकते हैं, और कैसे हम हमारे स्किल को डेवलप करके और भी बेहतर विकल्प हैं मार्केट में, हाउसकीपिंग के और भी ज़्यादा रोज़गार के विकल्प खुले हुए हैं। तो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने अनुभव के बेस पर, वो ये है कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने ऐसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है जो सीवर के काम से, सीवर क्लीनिंग के काम से जुड़े हुए थे, एक अनसेफ और इनह्यूमन काम से जुड़े हुए थे,
उनको एक बेहतर रोजगार देने का एक जो विकल्प दिया है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने, मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। करंटली तो अभी हमारा मेन जो टारगेट है शहर से कूड़े का जो ढेर है, डंप बन रहा है, उसको ख़त्म करने का, जिसके लिए हमारा डोर टू डोर कलेक्शन सोर्स सेग्रीगेशन के नाम पे, जो हम 100% का टारगेट है, जो अचीवमेंट अभी 70-80% तक हो पाई है, वेट और ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए और डोर टू डोर कलेक्शन करके हमारे जो MRFs हैं उन पे वो सेग्रीगेटेड वेस्ट पहुँचा के उनका साइंटिफिकली उनको कंपोस्ट में तैयार किया जाता है। और डंप साइट पे हमारा जो लीगेसी वेस्ट, जो बहुत पुराना वेस्ट है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है कंपोस्ट में, उसका अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। और इससे उनको घर में जो इन्फेक्शन वेस्ट मैनेजमेंट करते हुए जो वो अपने घर इन्फेक्शन लेके जाते थे वो कम हुआ है। और ब्लड बोर्न डिसीजेस, जैसे कि जो भी कचरे में कोई हजार्डस वेस्ट है उसको कैसे हैंडल करना है, उनको उसकी ट्रेनिंग दी गई है, उससे बहुत सपोर्ट हुआ है, डिसीजेस कम हुई हैं, HIV जैसे खतरनाक बीमारियों से उनको राहत मिली है इस ट्रेनिंग से। और हरी भरी से जो हमारा टाइप है, जो हमारा अग्रीमेंट है, उसकी वजह से ही हमारे जो सेग्रीगेशन है 80% तक पहुँच पाई है। और इसीलिए पटियाला 86 रैंक से पूरे भारत में 58 रैंक पे पहुंच पाया है। MRF सेंटर है हमारा नगर निगम का, जहां हम कूड़े को मैनेज करते हैं, जो घरों से कूड़ा हम उठाते हैं, हमारी कंपनी उठाती है, उसको यहां ला के हम मैनेज करते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट में जो घरों से हम कूड़ा उठाते हैं, जो मिक्स कूड़ा घरों से आता है हमारे, प्लास्टिक, पोलोथीन, किचन वेस्ट, साग सब्जी, वो सब हम घरों से उठा के उसको यहां ला के प्रॉपर सेग्रीगेशन करते हैं। उसका गीले कूड़े से हम पिटों में डाल के खाद बनाते हैं और सूखे कूड़े को अलग अलग प्लास्टिक, पोलोथीन, रबड़, टायर, ये सब करके उनको अलग से हम बेच देते हैं। पहले यहाँ पर जगह जगह हमें गली के नुक्कड़ पे, गलियों के अंदर, सड़कों पे जगह जगह कचरा मिलता था, लेकिन जब से MRF सेंटर शुरू हुए हैं यहाँ पे तो उसमें बहुत कमी आ गई है। जो लोग समझ चुके हैं इन चीज़ों को, वो अब बिल्कुल हमें प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, और जिनको समझ नहीं आ रही उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ ला के हम इसको प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ गया पहले से। पटियाला शहर में नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पटियाला ने हमें ऐसी 7 सेंटर्स दे रखे हैं जहाँ हम पूरे शहर के कूड़े को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हो गए हैं। इसके पहले मैं फैक्ट्री में काम करती थी, ओकरा बाद काम छोड़ दी। ये सर जी के भी आए जा, सर जी दत्पर में ले गया, बात कही, मेरे को काम दिया, मैं काम पर लग गया। काम के ट्रेनिंग सर जी में यही बताएं कि वो जो काम करना है सफाई रखना है, काम करो सफाई से करो, यही काम दिया है, यही मैं काम कर रहा हूँ। जो हम खाद बनाते हैं यहाँ पे, वो खाद ऑर्गेनिक है। जो किसान भाई हमारे आजकल खाद यूज़ कर रहे हैं वो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अब जब से हमने यहाँ से यहाँ खाद बनाना शुरू किया है तो यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई आते हैं और ये खाद लेके जाते हैं हमसे, और वो इनडायरेक्टली क्या होता है कि वो जो केमिकल्स वाली खाद होती है वो पानी बहुत एब्जॉर्ब करती है। ये जब खाद ज़मीन पर जाती है तो ज़मीन की उर्वरता जो बढ़ जाती है और पानी बहुत कम यूज़ होता है, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली हम पानी भी बहुत बचा रहे हैं इस मिशन से हमारे, तो पानी बचाओ मिशन को भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ट्रेनिंग में अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कामदार भाइयों को जोड़ने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसका नाम है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। अक्सर कम्युनिटी में लोगों के सवाल होते हैं कि ये ट्रेनिंग से हमको क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों आपका ट्रेनिंग लें, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम बस्ती के जो लोकल लीडर होते हैं, कम्युनिटी लीडर होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। उनको कन्विंस करने के बाद फिर हम एक समय डिसाइड करते हैं कि किस समय किस जगह पे हम सबको इकट्ठा करके बैठ सकते हैं। अक्सर
एक विश्वास की कमी देखने को मिलती है, वो जल्दी से हमारी बात नहीं सुनते हैं, कभी कभी मीटिंगों में भी नहीं आते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि क्या स्वच्छता की भी कोई ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो पुराने जो विद्यार्थी होते हैं, जो हमारे वहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके होते हैं, पास आउट होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इस ट्रेनिंग के बाद एक पॉजिटिव चेंज, एक डिग्निटी फील की है, उन लोगों को हम अपने साथ लेके आते हैं इन मीटिंगों में। जब वो बात करते हैं तो उन्हें वो रियल फील मिलता है कि हाँ, सच में इस ट्रेनिंग से कुछ फ़ायदा है। हमारे ही समुदाय के भाई ने, हमारे ही जैसा काम करने वाले भाई ने इस ट्रेनिंग को लिया और उनको ये बेनिफिट हुए, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, फिर बाद में वो कन्विंस होते हैं। पहली बार आए हैं मेरे पास पूछने के लिए कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे, आपका जो काम का नॉलेज है उससे ज़्यादा बढ़ेगा, आपको और बेनिफिट होगा आपकी स्वच्छता के लिए और आपके काम के लिए और बढ़ती होएगी नॉलेज की, जो टैकलिंग काम हमारे हैं गटर में उतरने का या सफाई करने का जो भी काम है उसको बेटर कर सकें, जो अपनी बॉडी को और बीमारी से बचने के लिए है महामारी में। जो हम ये सफाई का काम करते हैं, सीवरेज का काम करते हैं, ये कोविड से भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो हम सफाई करते हैं, हमारे अंदर मिट्टी कट्टा जो भी है हमारे अंदर जाता है, हम वैसे के वैसे ही अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको भी डर है बीमारी से। इसीलिए जब मैंने सर से ट्रेनिंग ली, वैसी ट्रेनिंग किसी ने हमको कभी आज तक समझाया नहीं था भी हम कैसे अपना सफाई कैसे करनी है। हम साफ़ सुथरे होके भी सफाई कर सकते हैं। बढ़िया ट्रेनिंग ली तो हमने, जो हमारे मुलाजिम लगे हुए हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उनके साथ भी मैंने बोला भी आप भी ट्रेनिंग लो। तकरीबन 100 लोगों को ट्रेनिंग दवा चुका हूं मैं। साथ ही मैंने अपने नगर निगम पटियाला में भी एक लेटर पे भी दिया था भी सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए सब लोगों को। इसीलिए जो ये सफाई का काम है, ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग लेंगे तो इससे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हमने इनको कुछ देना नहीं है, हमने इनसे लेना है। बल्कि ये जाएंगे तो कुछ लेके ही आएंगे, दे के नहीं आएंगे। ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मैंने ट्रेनिंग ली है, अच्छी से ट्रेनिंग ली है तो मैंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। क्योंकि जो हमारे लोग काम करते हैं उनकी उम्र कम से कम 45 की 50 की, बस इससे ज़्यादा नहीं जी सकते। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, ट्रेनिंग लेंगे हम भी सुरक्षित, हमारे बच्चे भी सुरक्षित, अति ज़रूरी है। तो हमारे ट्रेनिंग में एक बहुत अहम मुद्दा है वाटर और वॉश, जिसके ज़रिए हम उनको ये बताने की, समझाने की, सिखाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा हाइजीन, एक अच्छा सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए पानी कितना ज़रूरी है, पानी को हम बर्बाद ना करें, पानी को बचाएं। इस शो के माध्यम से मैं देश के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा हैं। कोविड-19 महामारी के दरमियान हम सब ने ये फील किया कि समाज को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए डॉक्टर, नर्स, पुलिस के बाद सैनिटेशन वर्कर्स ही हमारी सोसाइटीज़ को संभाल रहे थे, एक अपनी भूमिका निभा रहे थे, जिम्मेदार भूमिका निभा रहे थे। इस शो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सैनिटेशन वर्कर्स को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को एजुकेशन में सपोर्ट करें, उन्हें एक बेहतर नौकरियों के बारे में या अच्छी जॉब के बारे में उन्हें विकल्प दें और ख़ुद भी पानी बचाएं, लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित करें, स्वच्छ रहें, स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करें, खुले में कूड़ा ना डालें, कूड़े का सही से प्रबंधन हो और कूड़े को कूड़ेदान में डाल के ही शहर को और देश को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। 101 स्टोरीज ऑफ इंस्पिरेशन, ये जो बुक है इसके अंदर 101 कहानियाँ हैं उन सैनिटेशन वर्कर्स की जिन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से ट्रेनिंग लिया और मार्केट में आज वो एक डिग्निफाई जॉब कर रहे हैं। ये उन सब लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से ट्रेनिंग लिया है और अपनी लाइफ को बदला है। इसमें हमारे पटियाला से भी 4 से 5 लोग हैं। मैं जिस विकास की बात कर रहा था वो विकास भी इसमें है। आज काम करने के बाद में आज हम दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं, उन्हें समझाते हैं,
अच्छा लगता है। वार्ड हैं मेरे पास में जिसमें तकरीबन हजारों लोगों से मिलता हूँ मैं, हजारों लोग मेरे से हाथ मिलाते हैं, ऑफिसर्स के साथ में बैठता हूँ, चाय भी पीता हूँ, हैंडशेक भी करते हैं, उनकी सुनता हूँ, वो मेरी सुनते हैं। भविष्य में मेरे पास में सर अब ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे तो देखा जाए तो उम्र के हिसाब से हर इंसान कोई चाहता है कि यार दो बेटियाँ हैं, वैसे तो मेरी टाइम भी कम है मेरे पास में, कि पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, पढ़ाना भी है, फिर शादियाँ भी करनी है, सब कुछ करना है, प्राइवेट नौकरी में कैसे करूँगा। विकास फोकस नाउ इज द एजुकेशन ऑफ हिज टू डॉटर्स चाहत एंड आराध्या। माई लाइफ हैज टर्न अराउंड एंड आई वॉन्ट टू मेक देयर्स इवन बेटर।